करनाल के शुगर मिल में नवीनीकरण का कार्य जोरों पर चल रहा है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी आज नवीनीकरण के कार्य का निरीक्षण किया है। वहीं दूसरी ओर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है कि नवीनीकरण के कार्य में उपयोग होने वाले मशीनरी के पैनल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं। जब शुगर मिल MD अदिति से पत्रकारों ने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले सिक्योरिटी यहाँ पर कम थी, परंतु अब और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण के कार्य के दौरान यहाँ पर 1000 से 1200 लोग बाहर से कार्य करने के लिए आते हैं, साथ में 500 से 600 लोग शुगर मिल के कर्मचारी भी हैं, जो इन दिनों शुगर मिल के अंदर ही होते हैं, जो सीजन के चलते यहाँ इस पर कार्य करते हैं, परंतु इस तरह की चोरी शुगर मिल में पहली बार हुई है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल की दीवार पुरानी और टूटी फूटी होने के कारण यहाँ चोर घुस गए होंगे, परंतु अब नवीनीकरण के चलते शुगर मिल की दीवारें व अन्य कार्य भी जल्द से जल्द संपूर्ण करवा दिए जाएंगे। जो भी दोषी इस मामले में पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां हम आपको बता दें कि शुगर मिल के नवीनीकरण का कार्य इस समय जोरों पर चल रहा है और करोड़ों रुपए की आधुनिक तकनीक की मशीनें यहाँ पड़ी हुई है। इस दौरान यहाँ पर चोरी हो जाना बेहद चिंताजनक बात है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कब तक इन चोरों की तलाश की जाएगी। मैम क्या बताना चाहते हैं, जो पैनल्स में कुछ पार्ट की चोरी हुई है, कितनी उसकी कीमत थी और कब हुई है वो चोरी? नई मिल का कार्य पूर्ण प्रगति पर है। नई मिल के बनने से बहुत सारे लोगों का एक्सेस मिल के अंदर रहता है। सिक्योरिटी पे भी सबको चेक करना संभव नहीं है। तकरीबन 1000 से 1200 लेबर जो है वो इस जगह कंपनी की काम कर रही है और क्रशिंग सीजन के चलने के नाते 500 से 600 हमारे मिल कर्मचारी भी रहते हैं। इस तरह की चोरी पहली बार यहाँ पर हुई है। हमने इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की और 6 गार्ड्स की शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी है और बहुत जल्दी ही हम CCTV कैमरा भी पूरी नई मिल में लगवाएंगे ताकि इस तरह की शरारत और छेड़खानी ना हो सके। इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हमने FIR भी लॉन्च करवाने को फैक्ट्री कंपनी को कहा था और हम पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि जल्द से जल्द सामान रिकवर किया जाए और पता चले कि कौन इस चोरी के पीछे था। लगभग कितनी कीमत बताई जा रही है मैम इसकी? कीमत का अभी अनुमान जो है वो पूरा हमारे पास नहीं है, परंतु काफ़ी कीमती पैनल थे तो हमारी कोशिश है कि उसकी रिकवरी हो जाए। सैकड़ों पैनल्स में हुई है चोरी है? नहीं, कुछ ही पैनल्स में चोरी हुई है। तो सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो उतनी व्यवस्था नहीं थी। इस चोरी के बाद हमने जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ा दी है। उनकी अपनी ही सिक्योरिटी रहती थी इस जगह। शुगर मिल में पहले भी छोटी मोटी चोरी हुई है कई बार? शुगर मिल में स्क्रैप यार्ड से, हमारी पुरानी शुगर मिल है, बाउंड्री वॉल जो है वो काफ़ी जगह से टूटी हुई थी। अभी हमने पीछे पूरी बाउंड्री वॉल को रिपेयर करवाया। कई जगह पे रोशनी की भी कमी थी, बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए हैं। चारों तरफ से खुला होने की वजह से कई बार चोरी की समस्या आ रही है, जिसके लिए हम बाउंड्री वॉल को रिपेयर का और नई बाउंड्री वॉल को बनवाने का कार्य भी हमारे प्रपोजल में है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा हमने पहले, इससे पहले जो भी चोरी हुई है वो हमने, एक दो चोर भी बल्कि हमारे गार्ड्स ने पकड़े थे, हमने पुलिस को सौंप दिए थे और उचित उसके ऊपर कार्रवाई की गई। पर पहले जो भी चोरी हुई वो स्क्रैप यार्ड वगैरह से चोरी पाई जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर से और नए सामान में से चोरी का मामला सामने आया है। हजारों वर्कर हैं मैम, उनके सामने से चोरी करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर भी देखिए, रात के समय में ये चोरी हुई है, क्योंकि दिन में तो साइट पे वर्कर रहता ही है 1000-1200, तो ये रात के समय में ऑड आवर्स के अंदर ये चोरी जो है वो बताई गई है। कोई भेती हो सकता है जिसको पता हो कि वो अंदर पैनल के अंदर से छोटे छोटे पार्ट? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा कुछ किया है। ये एक चांस की बात है, क्योंकि खुले में इतने कीमती टेक्नोलॉजी और इतने कीमती पैनल्स जो हैं वो हैं, परंतु बहुत जल्दी ही जैसे ही मिल चल जाएगा उचित सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम है आपका? अदिति। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।